तो दोस्तों, जैसा कि हमने लेक्चर में देखा यहाँ पे कि सीपीएचए प्रो स्टेट करके कि यहाँ पे जो है, ओह गॉड, तो इट विल टेक सम टाइम। तो जैसे कि आईपी आपने जब सीपीएचए प्रो स्टेट किया था तो यहाँ पे डिफरेंट आईपी एड्रेस आपको दिखाई दे रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर अगर हम इसको थोड़ा टाइम दें तो ये आपस में सिंक करके ना सब कुछ सेटल कर लेते हैं। अगर मैं अभी ये कमांड सेम रन यहाँ पे करता हूँ, सीपीएचए प्रोब स्टेट, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्टिव स्टैंड बाई जो है प्रॉपर सेम आईपी एड्रेस, सब सेम सबनेट आईपी एड्रेस रेंज में आ गया आपका। सिंक आईपी एड्रेस जो हमने डिफाइन किया था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और अगर सेकेंडरी गेटवे की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये रहा, और हमने कोई चेंजेस नहीं किया, नथिंग, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट था इस बारे में तो आई थिंक आपका वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जैसे हमारा गेटवे अब आया हमने डायरेक्टली कमांड यहाँ पे रन किया, तो हमने टाइम नहीं दिया अपने फायरवॉल को, अपने मैनेजमेंट बॉक्स को कि वो डिफाइन कर पाया एक्चुअली, ठीक है। सो बहरहाल आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।